नेबरशिप जब हमारा नेबर बनता है ना, दो राउटर जब नेबर बनते हैं तो वो कुछ स्टेट से होके निकलता है, तो कौन कौन सी स्टेट्स होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक होती है इसमें डाउन स्टेट, एक होती है इनिट, एक होती है टू वे, एक होती है एक्सटार्ट, एक्सचेंज, और एक होती है फुल स्टेट। ये टोटल 6 स्टेट होती हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, अब देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ये राउटर है मेरे पास में और एक ये राउटर है, ये दोनों कनेक्टेड है। यहाँ पे आईपी यूज किया है मैंने 12.1.1.1, 12.1.1.2। ये मेरा एफ ए 0/0 है और ये मेरा एफ ए 0/0 है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस राउटर पे OSPF रन करता हूँ, OSPF की प्रोसेस रन करता हूँ, OSPF 100। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, OSPF 100, OSPF स्टेट रन, OSPF रन कर दिया, प्रोसेस रन कर दी। उसके बाद में इस इंटरफेस पे हम लोग क्या कर देते हैं, OSPF इनेबल कर देते हैं, और इस इंटरफेस पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, OSPF इनेबल कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस राउटर पे OSPF इनेबल करोगे इस इंटरफेस पे, तो ये क्या करेगा, एक हेलो मैसेज सेंड करता है, बताया था मैंने आपको। ये क्या सेंड करेगा, एक हेलो मैसेज सेंड करेगा, और इस हेलो मैसेज में वो अपनी राउटर आईडी भी सेंड करेगा। आप कंटेंट्स भी बताए थे ना मैंने आप लोगों को, वो सारे कंटेंट्स जाएंगे। तो इसकी राउटर आईडी है फॉर एग्जांपल 1.1.1.1, और इस राउटर की राउटर आईडी क्या होगी, 2.2.2.2। तो ये अपनी राउटर आईडी भी सेंड करेगा, ठीक है, हेलो मैसेज। तो ये हेलो मैसेज सेंड करेगा, उसमें अपनी ये राउटर आईडी भी भेजेगा। तो ये जो स्टेट होती है ना, इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग डाउन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्टेट बोलते हैं। ये राउटर जो है अभी कौन सी स्टेट में है, डाउन स्टेट में। मतलब इसने OSPF इनेबल हो गया, ये हेलो मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर दिया, बट इसके पास में हेलो रिसीव नहीं हुआ, इसको हेलो रिसीव नहीं हो रहा, हेलो सेंड करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, सामने वाले राउटर पे OSPF इनेबल नहीं होगा अभी तक, ठीक है। तो ये मेरी डाउन स्टेट है। तो जैसे ही इसको राउटर को हेलो मैसेज रिसीव होना स्टार्ट हो जाता है सामने वाले राउटर से, उसमें राउटर आईडी उसकी खुद की होगी, तो ये राउटर जो आ जाएगा इनिट स्टेट में आ जाएगा। जैसे ही उसको हेलो मैसेज रिसीव होने लग गया अपने नेबर से, तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, इनिट स्टेट। फाइन, क्लियर। उसके बाद में लेकिन इनिट स्टेट में क्या है, जो हेलो मैसेज रिसीव हो रहा है उसमें राउटर आईडी किसकी रिसीव हो रही है, उसको सामने वाले की राउटर आईडी रिसीव हो रही है। एक होती है टू वे स्टेट। टू वे स्टेट में क्या होगा, ये राउटर के पास में जब हेलो रिसीव हो रहा है सामने वाले से, और जब वो उस राउटर की भी राउटर आईडी इंक्लूड उसमें कर दे, तो वो जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है आपकी, टू वे स्टेट होती है। मतलब क्या हुआ, इसने हेलो मैसेज सेंड किया था, ठीक है, तो वो डाउन स्टेट थी। इधर भी क्या हो गया, OSPF रन हो गया, तो OSPF रन होती इसने क्या कर दिया, इधर हेलो मैसेज सेंड कर दिया, तो ये खुद की राउटर आईडी सेंड करेगा, और अब ये दोबारा भी हेलो सेंड कर रहा है, ये आपस में पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं। फिर उसके बाद में ये क्या करेगा, ये भी दोबारा एक और हेलो मैसेज सेंड करेगा, तो राउटर आईडी इसकी राउटर खुद की राउटर आईडी उस हेलो मैसेज में क्या होने लग जाएगी, रिसीव होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्टेट आ जाएगी वो कौन सी स्टेट आ जाएगी, टू वे स्टेट, ठीक है। और टू वे स्टेट के अंदर एक इलेक्शन होती है डीआर और बीडीआर राउटर की। किसकी इलेक्शन होती है, डीआर और बीडीआर राउटर की इलेक्शन होती है।
अब डीआर और बीडीआर क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्शन इलेक्शन मतलब एक राउटर डीआर बनेगा और एक राउटर बीडीआर बनेगा। डीआर बीडीआर क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। जो डीआर बीडीआर की इलेक्शन होती है ना वो मल्टी एक्सेस लिंक पे होती है। डीआर स्टैंड फॉर डेजिग्नेटेड राउटर। और बीडीआर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। ठीक है, तो पहले तो बात करते हैं डीआर बीडीआर की इलेक्शन होती कहां है और फिर की बात करते हैं क्यों होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ये राउटर लगा हुआ है, एक ये राउटर लगा हुआ है, ये मल्टी एक्सेस लिंक पे है। मल्टी एक्सेस लिंक कौन सा लिंक होता है? दो तरह के लिंक होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है और एक मल्टी पॉइंट लिंक होता है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक कौन सा होता है? मेरा जो सीरियल लिंक है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते हैं, मतलब सामने क्या है एक ही राउटर कनेक्ट होगा। और जो मल्टी पॉइंट लिंक है उसमें क्या होता है, एक ही राउटर से मल्टीपल राउटर से राउटर कनेक्ट हो सकते हैं ना, एक ही केबल से। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे जो पीसीज हैं जो स्विच के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो ये मल्टी एक्सेस लिंक से कनेक्ट होते हैं ना, मतलब ये लिंक मेरा क्या है, एक ही है। इस एक ही लिंक से एक इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, यही होता है ना। ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर राउटर्स में मल्टी एक्सेस लिंक यूज कर लूँ तो मैं मल्टीपल राउटर को कनेक्ट कर सकता हूँ आपस में, एक स्विच के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो इनको। और मैंने इसके फास्ट इथरनेट से, इसको इसके फास्ट इथरनेट से, इसको इसके फास्ट इथरनेट से और इसको इसके फास्ट इथरनेट से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट कर लिया तो ये मेरा R1 है, ये R2 है, R3 है और ये क्या है R4। इसकी राउटर आईडी होगी लाइक 1.1.1.1 2.2.2.2 3.3.3.3 और इसकी राउटर आईडी है फॉर एग्जांपल 4.4.4.4। अब DR की बात करते हैं, DR राउटर कौन सा बनेगा इसमें? अब यहां पे इन चारों राउटर में क्या होगा, मैंने सारे राउटर्स पे OSPF इनेबल कर दिया तो यहां पे DR BDR की इलेक्शन होगी। ठीक है, तो DR राउटर कौन सा बनेगा? जिस राउटर की राउटर आईडी हायर है, जिस राउटर की राउटर आईडी क्या है, हायर राउटर आईडी है, वो राउटर आपका बन जाएगा DR। मतलब यहां पे DR कौन बनेगा? R4। और ये क्या बन जाएंगे? DR अदर। DR अदर, ये वैसे BDR बनेगा लेकिन मैं DR अदर ही मान के चल रहा हूं एक बार इसको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोगों ने बात की थी कि वो सारे राउटर क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में डेटाबेस शेयर करेंगे, है ना। तो अदरवाइज DR BDR की इलेक्शन नहीं होती यहां पे, तो क्या होता, ये राउटर इसको भी डेटाबेस भेजता, इसको भी डेटाबेस भेजता, इसको भी डेटाबेस भेजता, फिर ये सबको भेजता, ये सबको भेजता, ऐसा होता ना। लेकिन यहां पे क्या होगा, लाइक इस राउटर पे कुछ चेंजेस हुआ तो ये डेटाबेस अपना किसको भेजेगा, ये अपना डेटाबेस किसको भेजेगा? डीआर को। डीआर को। और उसके बाद में डीआर राउटर क्या करेगा, बाकी राउटर्स को वो डेटाबेस सेंड करेगा। ठीक है, मतलब थैंक यू सर। ठीक है, तो अब ज्यादा फ्लडिंग नहीं होगी यहां पे, फ्लडिंग ज्यादा नहीं होगी। और नेबरशिप भी, अब देखो दो तरह की नेबरशिप बनती है यहां पे, दो तरह की नेबरशिप कैसे बनेगी, एक बनेगा नेबर, एक नेबर बनता है हमारा नेबर विद एडजेसेंट और एक बनता है नेबर विदाउट एडजेसेंट।
नेबर विद एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, वो अपना डेटाबेस उसके साथ में पूरा एक्सचेंज करेगा, मतलब इसके साथ में नेबर भी होगा और अपना डेटाबेस भी क्या करेगा, वो उसके साथ में अपना एक्सचेंज करेगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे अदर राउटर जो होंगे वो डीआर के साथ में डीआर विद नेबर विद एडजेसेंट बनेंगे, मतलब वो अपना डेटाबेस किसके साथ में शेयर करेंगे, डीआर अदर के साथ में। तो इसने क्या किया, अपना डेटाबेस किसके साथ में शेयर कर लिया, डीआर अदर के साथ में। और ये भी क्या करेगा, अपना डीआर कर अपना डेटा डीआर अदर के साथ में, डीआर के साथ में क्या करेगा, शेयर करेगा। ये डीआर अदर भी अपना डेटाबेस किसके साथ में शेयर करेगा, डीआर के साथ में। अब ये क्या करेगा, ये भी अपना डेटाबेस सेंड करेगा, ये डेटाबेस अपना किसके पास में सेंड करेगा, ये इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा और इसको भी भेजेगा। ये राउटर कभी भी अपना डेटाबेस इसके पास में नहीं भेजेगा, क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि ये नेबर बनेगा विदाउट एडजेसेंट। डीआर अदर आपस में क्या बनेंगे, विदाउट एडजेसेंट नेबर बनेंगे, मतलब वो अपना डेटाबेस एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये अपना डेटाबेस एक्सचेंज किसके साथ में करेंगे, सिर्फ किसके साथ में डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे, डीआर के साथ में। और डीआर क्या करेगा, डीआर फिर वो बाकियों को डेटाबेस भेजेगा, लाइक इस राउटर पे कुछ चेंज हुआ तो डेटाबेस किसको भेज देगा, डीआर को। और डीआर क्या करेगा, फिर उसको फ्लड कर देगा आर टू के पास में और आर वन के पास में। ये नहीं है कि इस पे अगर कोई चेंज हुआ तो ये आर वन को भी भेज देगा, आर टू को भी भेज देगा, आर फोर को भी भेज देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों राउटर क्या है, आपस में नेबर तो बने हुए हैं बट विदाउट एडजेसेंट बने हुए हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा, अब जो चलो डेटाबेस तो एक्सचेंज हो रहा है किसके थ्रू, डीआर की हेल्प से, डीआर के थ्रू ही डेटाबेस एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन यहां पे कोई पीसी है और यहां पे कोई पीसी है, इस मशीन ने इस मशीन को कम्युनिकेट करना है, इस मशीन ने इस मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है। तो अब इस राउटर के पास में उसकी इंफॉर्मेशन है, अब अगर डेटा भेजना है तो वो डेटा डीआर के थ्रू नहीं भेजेगा, डेटा वो डायरेक्ट किसको भेज देगा, इस राउटर को भेज देगा, क्योंकि इस राउटर को पता है ना कि नेटवर्क यहां पे कोई 10 का नेटवर्क है, ये नेटवर्क किसका है, 2.2.2.2 का नेटवर्क है, इसकी नेबरशिप है ना इसके साथ में, इसकी नेबरशिप है कि नहीं है, है ना। तो वो डायरेक्ट भेज देगा इसको, वो डीआर अदर को क्यों भेजेगा, जो आपका डेटा जो होगा वो तो डायरेक्टली जाएगा, कम्युनिकेशन जो होगा वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, बट जो डेटाबेस जो एक्सचेंज होगा वो डीआर के थ्रू ही होगा। मतलब जो मेरे जितने भी राउटर्स हैं वो नेबर बनेंगे विद एडजेसेंट, विद एडजेसेंट मतलब पूरा अपना डेटाबेस एक्सचेंज करेंगे किसके साथ में, सिर्फ डीआर के साथ में। और जो डीआर अदर राउटर्स हैं वो नेबर बनेंगे विदाउट एडजेसेंट, मतलब वो डेटाबेस कभी भी एक्सचेंज आपस में नहीं करेंगे, वो डेटाबेस डीआर के थ्रू ही क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट हो, वो तो स्विच की मैक टेबल में तो वैसे ही कम्युनिकेशन हो। ये एड्रेस कौन यूज करेगा, डीआर राउटर यूज करता है डेटा सेंड करने के लिए, अपडेट सेंड करने के लिए। और जो डीआर अदर राउटर है ना वो यूज करते हैं 224.0.0. मैंने एक और एड्रेस बताया था ना 6, वो ये यूज करता है, ठीक है। तो जो डेटाबेस एक्सचेंज होगा वो थ्रू डीआर होगा, और जो कम्युनिकेशन होगा वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन होगा। रिपीट करूं, जरूरत है रिपीट करने की, नहीं है, ओके वेरी गुड। तो अब देखो, एक तो इसमें डीआर राउटर रहेगा, और जो सेकंड बेस्ट जो आपकी राउटर आईडी है वो बीडीआर बन जाएगा। मतलब अगर ये डाउन हो जाता है तो फिर डीआर कौन बनेगा, जो बीडीआर बना हुआ है वो डीआर बनेगा। तो ये डीआर अदर नहीं होगा ना, ये क्या होगा, जो सेकंड बेस्ट राउटर आईडी है वो क्या बन जाएगा मेरा, वो बीडीआर बैकअप डीआर बन जाएगा।
तो अगर ये मेरा राउटर डाउन हो गया बाय द वे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, BDR। अब जो इलेक्शन होगी वो किसके बीच में, इन दोनों के बीच में इलेक्शन होगी, किस चीज के लिए, BDR के लिए। किसके लिए? BDR के लिए। ठीक है, किसके बीच में होगी? अच्छा, ये मेरा BDR है, ये मेरा डाउन हो गया, तो जो BDR है वो क्या बन जाएगा, DR बन जाएगा। तो अब BDR चाहिए, तो BDR इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में इलेक्शन होगी, जो हाईएस्ट राउटर आईडी है वो क्या बन जाएगा, BDR बन जाएगा। BDR डाउन हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में ये क्या बन जाएगा, ये DR बन जाएगा फिर। ये DR बन गया था ना, ये DR बन गया था, ये BDR बन गया था, तो ये डाउन हो गया अब, तो ये BDR, ये DR बन जाएगा वापस। नहीं, अब अगर ये आप आ गया है बीच में, तो ये बन जाएगा, अगर ये डाउन ही पड़ा है तो ये क्या बन जाएगा फिर आपका, ये DR बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, BDR। सारे राउटर की टेबल में इंफॉर्मेशन होगी DR BDR। हाँ, ठीक है, क्लियर है। तो जो DR BDR की इलेक्शन होती है वो कौन सी स्टेट में होती है, DR BDR की इलेक्शन कौन सी स्टेट में बताई मैंने आपको, टू वे स्टेट में। तो टू वे स्टेट में DR BDR की भी इलेक्शन हो जाती है। और अगर मेरा कोई सीरियल लिंक है, यहां पे कोई भी DR और BDR की इलेक्शन नहीं होती, क्योंकि इसको पता है यहां पे मल्टीपल राउटर तो लगे नहीं होंगे ना, तो DR BDR की इलेक्शन सिर्फ मल्टी एक्सेस लिंक पे होगी। अगर आपने फास्ट इंटरनेट लिंक यूज किया हुआ है वहीं पे DR BDR की इलेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फाइन, क्लियर है, ओके। एक तो मैंने बताया हाईएस्ट राउटर आईडी के थ्रू क्या होगी, DR BDR की इलेक्शन होगी। अब मैं चाहता हूं यार मेरा ये R1 है ना वो क्या बनना चाहिए, DR बनना चाहिए, बट इसकी राउटर आईडी तो क्या है, 11 है। तो पहले आप खेल सकते हो किसके साथ में, प्रायोरिटी के साथ में। प्रायोरिटी होती है 0 से लेके 255 तक। बाय डिफॉल्ट क्या होगी, अगर मेरे पास में इथरनेट लिंक है तो बाय डिफॉल्ट सबकी 1 होती है, मतलब प्रायोरिटी क्या होगी, वो टाई होगी। फिर उसके बाद में वो क्या देखता है, राउटर आईडी। फिर वो किस पे जाता है, राउटर आईडी पे। तो सबकी प्रायोरिटी क्या है, बाय डिफॉल्ट सेम है। मैं चाहता हूं इसको मैंने क्या करना है, DR राउटर बनाना है, तो मैं इसकी प्रायोरिटी क्या कर दूंगा, हायर कर दूंगा, 2 कर दूंगा, तो ये राउटर मेरा क्या बन जाएगा, DR राउटर बन जाएगा। अगर आपने मैन्युअली बनाना है किसी को तो ऐसे बना सकते हो, क्लियर है। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने वो कॉन्फिगर किया ऑलरेडी, ठीक है। 1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3, 4.4.4.4। इसमें DR राउटर कौन बनेगा, 4 वाला बनेगा, R4 बनेगा। मैं चाहता हूँ R4 ना बने, R1 बनना चाहिए। तो इन राउटर की क्या होती है, पहले ये राउटर कंसीडर करते हैं क्या, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी होती है 0 से लेके 255, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है वो प्रायोरिटी, फास्ट इथरनेट लिंक पे 1 होती है, तो सबकी 1 है वो, तो प्रायोरिटी पे वो जाएगा नहीं, फिर वो किस पे जाएगा, हायर राउटर आईडी। तो हायर राउटर आईडी ये होगी। अगर आपने इसकी प्रायोरिटी क्या कर दी, 2 कर दी, तो DR कौन बन जाएगा, R1 आपका DR बन जाएगा, ठीक है, ओके। अगर आप DR BDR इलेक्शन करना ही नहीं चाहते, अगर आप नहीं चाहते DR BDR इलेक्शन हो, तो आप प्रायोरिटी क्या कर दोगे, 0। तो सीरियल लिंक पे प्रायोरिटी क्या होती है, 0 होती है, इसलिए वहां पे DR BDR की इलेक्शन नहीं हो रही होती, बाय डिफॉल्ट वहां पे 0 सेट होती है। अब मैं इन दोनों राउटर को क्या कर दूं, डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं एक फास्ट इथरनेट लिंक से, और मैं एक सीरियल लिंक के थ्रू भी इनको फास्ट इथरनेट से क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं,
तो यहाँ पे डीआर बीडीआर इलेक्शन करने का कोई फायदा है क्या? नहीं है ना। वो तो हमने मल्टी एक्सेस लिंक, अगर मेरे पास में बहुत सारे ज्यादा राउटर है, ज्यादा आपकी नेबरशिप ना बने, इसीलिए हम लोग करते थे। यहाँ पे तो डेटाबेस इनको एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। डीआर बीडीआर की इलेक्शन करने की क्या जरूरत है यहाँ पे? तब भी यहाँ पे डीआर बीडीआर की इलेक्शन होगी, और यहाँ पे नहीं हो रही होती। यहाँ पे क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? जीरो होती है। जीरो का मतलब वो डीआर बीडीआर में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो डीआर बीडीआर की इलेक्शन होगी यहाँ पे, ये मेरा राउटर क्या बन गया? डीआर बन जाएगा। और ये राउटर क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे दो ही है एक ही लिंक पे, तो एक डीआर बनेगा और एक बीडीआर बनेगा। फिर उसके बाद में आती है आपकी एक्स स्टार्ट स्टेट। एक्स स्टार्ट स्टेट में क्या होगा? अब ये मेरे दोनों राउटर हैं। अब इस राउटर का भी डेटाबेस होगा यहां पे, और इस राउटर का भी डेटाबेस होगा। ठीक है, ये लाइक इसका डेटाबेस है और ये इसका डेटाबेस है। इसमें इसकी इंफॉर्मेशन पड़ी है, इसमें दोनों की एक दूसरे की इंफॉर्मेशन है। ये क्या सेंड करेंगे? अपने डीबीडी सेंड करेंगे। ये क्या है? डेटाबेस। इनको आप बोलते हो डीबीडी। क्या सेंड करेगा? डीबीडी, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन सेंड करेगा। और वो जो डेटाबेस भेजेगा वो डीबीडी, एम्प्टी डीबीडी भेजेगा, खाली डीबीडी भेजेगा। एक्स्ट्रा स्टेट में क्या होगा? ये भी इसको डीबीडी भेजेगा और ये भी इसको एम्प्टी डीबीडी भेजेगा। मतलब डेटाबेस एक्सचेंज नहीं कर रहे, डेटाबेस में कुछ नहीं है, खाली एम्प्टी डीबीडी भेज रहा है वो। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें मास्टर और स्लेव की इलेक्शन होगी, मास्टर और स्लेव। वो जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी वो राउटर आपका क्या बन जाएगा? मास्टर बन जाएगा। और जिस राउटर की राउटर आईडी लोअर होगी वो क्या बन जाएगा? वो स्लेव बन जाएगा। और जो राउटर मास्टर होगा वो डेटाबेस एक्सचेंज करना स्टार्ट करेगा, इनिशिएट वही करेगा। मतलब यहां पे ये डिसाइड होगा कि डेटाबेस एक्सचेंज जो करेगा वो स्टार्ट कौन करेगा। ये भी तो हो सकता है कि पहले ये कर ले या ये कर ले। तो इन दोनों के बीच में पहले क्या होगी? मास्टर और स्लेव की इलेक्शन होगी कि कौन डेटाबेस एक्सचेंज करना पहले स्टार्ट करेगा, सेंड करना कौन स्टार्ट करेगा। तो जो मास्टर बनेगा वो क्या करेगा? वो स्टार्ट करेगा। तो ये राउटर क्या बन जाएगा? मास्टर। और ये राउटर क्या बन जाएगा? राउटर आईडी पे। बताया ना मैंने अभी कि हाईएस्ट राउटर आईडी जिसकी होगी वो राउटर आपका क्या बन जाएगा? वो मास्टर बन जाएगा। और जिसकी राउटर आईडी क्या होगी? लोअर होगी, वो हमारा स्लेव बन जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा? एमटीयू साइज भी क्या होगा? नेगोशिएट होगा। वो एमटीयू साइज भी क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। अगर यहां पे एमटीयू साइज क्या है? बाय डिफॉल्ट इन पोर्ट्स का एमटीयू साइज क्या होता है? 1500 बाइट्स होता है। मतलब मैक्सिमम जो डेटा वो सेंड करेगा उसका साइज कितना हो सकता है? 1500। अगर यहां पे देखो लाइक 1500 है और यहां पे कितना है? यहां पे 1000 है। तो नेबरशिप इसी स्टेट में क्या हो जाएगी? स्टक हो जाएगी, आगे नेबरशिप बढ़ेगी नहीं। तो जो एमटीयू साइज है वो भी इसी स्टेट में क्या होगा? नेगोशिएट होगा। तो दोनों का एमटीयू साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ओएसपीएफ में एमटीयू साइज मिसमैच हो गया तो नेबरशिप आप नहीं आएगी, वो कौन सी स्टेट में स्टक हो जाएगी? एक्स स्टार्ट स्टेट में। और इंटरव्यूज में मोस्टली पूछते होते हैं अगर आपकी नेबरशिप एक्स स्टार्ट स्टेट में स्टक हो गई है क्या इश्यू हो सकते हैं। ठीक है, सेम होना चाहिए ओएसपीएफ में। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि एमटीयू साइज क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो इस वाले मैसेज में क्या होगा? स्टार्ट स्टेट में क्या होगा? एमटीयू एक्सचेंज होगा। वहां पे वो नेगोशिएट करेगा, चेक करेगा कि एमटीयू साइज दोनों का क्या है,
सेम है, ये चीज क्लियर है। और यहाँ पे जो डेटाबेस वो सेंड जो हो रहा है, एक्सचेंज जो हो रहा है, वो सिर्फ एम्प्टी डीबीडी क्या हो रहे हैं, सेंड हो रही है, ठीक है। अब प्रायोरिटी जो आपने पिछले में बताई थी 0 और 1 के अलावा बाकी स्टेट्स का क्या मतलब है प्रायोरिटी वाली? 0 और 1 तो समझ में आ गया कि 0 में कोई प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, और इसके लिए 1 के लिए अगर सेट करते हैं, बाकी एक राउटर के लिए 1, ये एक स्टार्ट स्टेट आपकी, तो मास्टर स्लेव की इलेक्शन होगी। ये मेरा राउटर क्या बन गया, मास्टर बन गया। इसके राउटर आईडी क्या थी, हायर थी। इसके राउटर आईडी क्या थी, लोअर थी। उसके बाद में स्टेट कौन सी आ जाएगी, एक्सचेंज स्टेट। ये इसका डीबीडी पड़ा है, डेटाबेस पड़ा है, लाइक इसके इसका डीबीडी है एबीसी करके है कुछ, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है। और इसका भी डीबीडी पड़ा है यहाँ पे एक्स वाई जेड करके है, और यहाँ पे भी उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी है। ये क्या है, ये डीबीडी का हेडर है, ये क्या है, डीबीडी हेडर है। ए इसमें उसकी इंफॉर्मेशन है, ये डीबीडी का हेडर है। बी इसमें उसकी इंफॉर्मेशन है, ये डीबीडी का हेडर है। उस सी इसमें इसकी इंफॉर्मेशन है डीबीडी की, ठीक है। सेम यहाँ पे एक्स उसकी इंफॉर्मेशन, वाई हेडर पड़ा है उसकी इंफॉर्मेशन, जेड हेडर पड़ा है उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमारे डीबीडी पड़े हैं। मेरा मास्टर कौन बना था, ये वाला राउटर। ये क्या करेगा, ये राउटर इसको अपना डीबीडी हेडर सेंड करेगा। ये क्या सेंड करेगा, डीबीडी हेडर। हेडर में क्या इंफॉर्मेशन होगी, एक्स वाई जेड, कि मेरे पास में ये डीबीडी पड़े हैं कुछ, लेकिन उसमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, सिर्फ क्या जा रहे हैं, हेडर जा रहे हैं। तो ये क्या कर लेगा, ये हेडर यहां पे क्या कर लेगा, एक्स वाई जेड सेव कर लेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास में, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन आई है हेडर की। तो ये भी क्या करेगा, इसको डीबीडी हेडर सेंड करेगा, कौन से, ए बी और सी। तो ये भी इसके पास में भी क्या आ गए, इसके डीबीडी के हेडर्स आ गए ए बी सी, बट डीबीडी क्या है मेरा, अभी भी एम्प्टी है। मुझे डीबीडी के अंदर जो डेटाबेस है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई, सिर्फ उसके हेडर्स आए हैं मेरे पास में। तो ये जो हमारी स्टेट होती है वो कौन सी स्टेट होती है, एक्सचेंज स्टेट। और एक्सचेंज स्टेट में क्या एक्सचेंज होगा, डीबीडी हेडर्स। उसके बाद में स्टेट आती है लोडिंग। लोडिंग लोडिंग स्टेट में क्या होगा, लोडिंग स्टेट में अब इस राउटर के पास में क्या है, हेडर्स पड़े हैं ना, इस राउटर के पास में हेडर्स पड़े हैं एबीसी। उसके लिए क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, ये भेजता है LSR। LSR इज लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। ये क्या भेजेगा, LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, कि मुझे मेरे पास में कुछ हेडर्स हैं एबीसी, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, उनकी मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसको देगा एल एस यू, किसका, एबीसी का। एल एस यू इज लिंक स्टेट अपडेट, जो रिक्वेस्ट थी उसमें उसको क्या दे देगा, अपडेट दे देगा, कि अपडेट आ गया उसके पास में। तो ये क्या कर लेगा, इसके पास में वो सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी डेटाबेस की। इसी तरह से फिर ये क्या देगा, इसको एल एस एक लिंक स्टेट एक्नोलेजमेंट, लिंक स्टेट
एक्नोलेजमेंट देगा। इसी तरह से ये राउटर भी क्या करेगा, LSR सेंड करेगा, ये LSU सेंड करेगा, और ये फिर इसको क्या देगा, एक्नोलेजमेंट देगा। तो दोनों राउटर्स के पास में एक दूसरे का पूरा डेटाबेस आ जाएगा, और ये दोनों राउटर किस स्टेट में आ जाएंगे, फुल स्टेट में। आप डेटाबेस को LSDB भी बोल सकते हो, LSDB लिंक स्टेट डेटाबेस, लिंक स्टेट डेटाबेस। आप अपने डेटाबेस को क्या बोलते हैं, LSDB भी बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये इसके पास में कुछ हेडर खाली पड़े थे ना, सिर्फ हेडर थे, ये उनकी उनके लिए क्या करेगा, LSR सेंड करेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, कि मुझे ABC जो हेडर पड़े हैं उनका डेटाबेस सेंड कर दे। ये क्या करेगा, LSU सेंड कर देगा, लिंक स्टेट अपडेट दे देगा, और ये क्या दे देगा, उसको एक्नॉलेजमेंट दे देगा। और ये इसी तरह से ये सेंड करेगा LSR, वो LSU देगा, फिर ये क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट दे देगा। तो ये दोनों राउटर जो है आपके कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, फुल स्टेट में, और ये नेबर बन जाएंगे, नेबर विद एडजेसेंट। ये क्या बन जाएंगे, नेबर विद एडजेसेंट। और जो दो डीआर अदर राउटर होंगे ना, वो टू वे स्टेट तक रहेंगे। जो दो डीआर राउटर अदर रहेंगे, मैंने बताया था ना, वो नेबर विदाउट एडजेसेंट रहते हैं, तो वो नेबर रहेंगे बट विदाउट एडजेसेंट, वो डेटाबेस एक्सचेंज नहीं करेंगे ना अपना। तो देख लो डेटाबेस कौन सी स्टेट में एक्सचेंज होना स्टार्ट होता है, एक्सचेंज स्टेट, एक्सटार्ट स्टेट में वो एम्प्टी डीबीडी वगैरह सेंड करना स्टार्ट करता है ना, लेकिन यहां पे क्या है, ये टू वे स्टेट तक ही क्या बन जाएंगे, क्योंकि डीआर बीडीआर इलेक्शन वहां पे होगी, उसको पता चल गया कि मैं क्या हूं, मैं डीआर अदर हूं, तो बस ठीक है, उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो डीआर अदर है। तो डीआर अदर दूसरों के साथ में कभी भी, अगर ये दो मेरे राउटर होते, अगर ये मेरे दोनों डीआर अदर होते, तो उनको पता चल जाता हम दोनों डीआर क्या है, अदर है, आपस में फिर वो आगे स्टेट में नहीं जाते, वो यहीं पे क्या हो जाते, नेबर बन जाते, नेबर विदाउट एडजेसेंट। फाइन, ठीक है, चलो। तो बाद में कोई चेंज होता है तो केवल डायरेक्ट वो स्टार्ट पे आता है, इसमें चेंज होता है, अगर इसमें यदि हाँ, फिर वो इलेक्शन होगा वहां पे दोबारा, वहां पे इन राउटर्स के बीच में क्या होगा, इलेक्शन होगा, और जो राउटर फिर आपका डीआर बनेगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, कल हमने वैसे देखा था इसको, फिर भी डीआर बीडीआर मैंने आपको नहीं दिखाया था वहां पे। चलो एक काम करता हूं, मैं इस राउटर पे चलते हैं, चेंज सेटिंग, चेंज, इस पे मैं OSPF रन कर रहा हूं, और IP यूज कर लेते हैं हम लोग वही 12 के नेटवर्क में। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस इज 12.1.1. नो शटडाउन, R2 पे चलो, इस राउटर पे कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस इज व्हाट, 12.1.1.255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 
जीरो नो शटडाउन पोर्ट अप आ जाएंगे। उसके बाद में इन पे हमने क्या करना है, ओएसपीएफ रन करना है। आर वन पे हूँ मैं अभी, इंटरफेस सॉरी राउटर ओएसपीएफ 100 नेटवर्क 12.1.1.0.0.0.0.255 एरिया इज 0। आर टू पे चल लो, राउटर ओएसपीएफ 100 नेटवर्क 12.1.1.0.255.0.0.0.255 एरिया इज 0। अब मैं आर वन पे चलता हूँ और आपको नेबरशिप दिखा देता हूँ इसमें। सो आई पी ओ एस पी एफ नेबर, अभी ये टू वे में आया है, अब ये टू वे में आया, डी आर अदर दिखा रहा है, इलेक्शन हो रही है वहाँ पे। एक स्टार्ट में आ गया, इसमें डीबीडी वगैरह एक्सचेंज होंगे। फुल में आ गया, अब ये देखो ये क्या दिखा रहा है, मैं आर वन पे हूं, ये बोल रहे हैं कि एक राउटर है 12.1.1.2, उसकी राउटर आईडी यही सिलेक्ट होगी ना, क्योंकि हायर क्या है इसका आईडी है ना इसकी, तो ये राउटर आईडी नेबर की आईडी दिखा रहा है, ठीक है। वो क्या है, फुल स्टेट में है, और वो क्या है, डीआर बना हुआ है, और उसका एड्रेस ही है। अगर आपने मैनुअली राउटर आईडी क्या करनी है, चेंज करनी है, तो आप कर सकते हो, राउटर ओएसपीएफ 100, मैंने बताया ना, आप मैनुअली भी राउटर आईडी दे सकते हो। तो राउटर आईडी मैं इसको दे रहा हूं, ये कौन सा आर1 है ना, 1.1.1.1, ये क्या बोल रहा है, ओएसपीएफ की प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी, तो क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस यस। अगर उसको आपने चेंज करना है राउटर आईडी, तो ओएसपीएफ की प्रोसेस क्लियर करनी पड़ेगी, राउटर ओएसपीएफ 100, और मैं इसकी राउटर आईडी रख देता हूँ, राउटर आईडी इसकी क्या रखनी है, 2.2.2, क्लियर क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस एंटर एंटर। अब चेक करें नेबरशिप इसकी, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, स्टिल वही दिखा रहा है ना, वेट हाँ यस नहीं गया था ना, यस यस। ये देखो मैं आर वन पे हूं, मैंने राउटर आईडी मैनुअली चेंज कर दी। कैसे चेंज कर सकते हो, ओएसपीएफ प्रोसेस में जाओ और राउटर आईडी सबसे पहले वो मैनुअल कंसीडर करेगा, फिर हाईएस्ट लूप बैक, हाईएस्ट लूप बैक नहीं है तो फिर फिजिकल, तो मैंने मैनुअल दी हुई है तो पहले मैनुअल को कंसीडर करेगा। सो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये क्या बोल रहा है, एक नेबर बना हुआ है 2.2.2.2, उसकी प्रायोरिटी क्या है 1 है, तो इसकी भी प्रायोरिटी 1 है, तो फिर राउटर आईडी के बिहाफ पे क्या बन गया, वो राउटर क्या बन गया, डीआर बन गया, और ये वो क्या है, फुल में है, मतलब वो क्या है, मेरा एडजेसेंट है, और उस राउटर का आईपी एड्रेस ये है जिससे मैं नेबर बनाऊं, ठीक है। आर टू पे जाओ, ये क्या बोल रहा है, एक राउटर है 1.1.1 मेरा नेबर है, और वो फुल में है, वो क्या है, बीडीआर है, उसका आईपी है, ठीक है। तो ये हमारे डीआर बीडीआर की इलेक्शन थी, ओके फाइन। अब क्या होता है, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि वो डेटाबेस वगैरह भी क्या करता है, एक्सचेंज करता है, अपना डेटाबेस बनाता है। जैसे इसमें राउटर पे ओएसपीएफ रन करूंगा, ये अपनी राउटर आईडी कैलकुलेट करता है और खुद का एक डेटाबेस बनाता है ना, उस डेटाबेस में खुद की इन्फॉर्मेशन होती है सारे लिंक्स की, ये बताया था। और फिर वो डेटाबेस अपना किसके साथ में शेयर करता है, अपने नेबर के साथ में, जब वो नेबर बन रहा होता है,
एक स्टार्ट स्टेट में, एक्सचेंज स्टेट में और लोडिंग स्टेट में वो डेटाबेस पूरा क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है, है ना। तो वो डेटाबेस मैं अगर इसका दिखाऊं, R1 पे चलूं, शो IP OSPF डेटाबेस, ये डेटाबेस दिखा रहा है कुछ, ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। राउटर लिंक स्टेट, ये राउटर LSA है, ये नेटवर्क LSA है, ठीक है। तो अब पहले इस डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये डेटाबेस क्या है, ठीक है, ये कैसे डेटाबेस बनाएगा, ठीक है, देन आपको ये चीजें समझ में आएंगी, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया कि राउटर में क्या होता है, इसका डेटाबेस होता है, डेटाबेस को हम लोग क्या बोलते हैं, LSDB बोलते हैं, लिंक स्टेट डेटाबेस बोलते हैं। और ये डेटाबेस कैसे बनता है, कुछ LSAs होते हैं, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, कुछ टाइप्स ऑफ LSAs होते हैं, वो सारे LSA मिलके क्या बनाते हैं, LSDB बनाते हैं। तो एक राउटर रहेगा, राउटर पे क्या रहेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ LSAs होते हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं राउटर का, खुद का अपना। तो कौन कौन से LSAs रहते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक होता है LSA टाइप वन, या फिर आप टाइप वन LSA बोल सकते हो, टाइप वन LSA। एक होता है टाइप टू LSA। टाइप वन LSA को आप बोल सकते हो राउटर LSA भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, राउटर LSA। एक होता है टाइप टू LSA, जिसको हम लोग नेटवर्क LSA भी बोल सकते हैं। एक होता है आपका टाइप थ्री LSA, जिसको हम लोग समरी LSA भी बोलते हैं। एक होता है टाइप फोर LSA, जिसको हम लोग ASBR समरी LSA भी बोलते हैं। और एक होता है टाइप 5 LSA, जिसको हम लोग एक्सटर्नल LSA भी बोलते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं ये क्या होते हैं। इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि LSA टाइप्स क्या होते हैं। लोग बात करते हैं LSA टाइप वन LSA के बारे में, राउटर LSA के बारे में। अब फॉर एग्जांपल ये एक मेरा राउटर है, मैंने आपको बताया कि जैसे इस पे राउटर पे आप OSPF रन करोगे, OSPF रन करते ही ये अपनी एक राउटर आईडी जनरेट करेगा, 1.1.1.1 है लाइक इसकी, है ना। तो ये एक LSA 1 जनरेट करेगा, LSA टाइप 1 राउटर LSA जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी इस राउटर पे जो लिंक्स लगे हुए हैं, कौन कौन से लिंक्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर नेटवर्क कौन सा यूजर है, लाइक यहाँ पे 10.1.1.0 यूज हो रहा है /24, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे 12.1.1.0/24। तो ये इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन रखेगा LSA 1 के अंदर 10.1.1.0/24, मतलब इसके अंदर किस चीज की इंफॉर्मेशन होगी, इन लिंक्स की इंफॉर्मेशन होगी LSA 1 में। LSA 1 में किसकी इंफॉर्मेशन होगी, जो राउटर के ऊपर जो लिंक्स है वो कौन से लिंक्स यूज हो रहे हैं, सीरियल है, पॉइंट टू पॉइंट है, मल्टी एक्सेस लिंक है, स्पीड क्या है उनकी, ठीक है, उन पे नेटवर्क कौन से यूज हो रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन रहेगी किसके अंदर, राउटर LSA, ठीक है। और जो ये चीज क्लियर है,
राउटर LSA में क्या इन्फॉर्मेशन होगी और नेटवर्क LSA में किस चीज की इन्फॉर्मेशन होगी, और जो राउटर LSA है एक एरिया के अंदर हर एक राउटर क्या करेगा, अपना एक राउटर LSA बनाएगा, और वो राउटर LSA सबके पास में क्या होगा, सेम LSA होगा। मैंने बताया था ना सारे राउटर एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, अपने डेटाबेस शेयर करेंगे, इसने सारे राउटर ये अपना LSA बनाएगा, ये सबके पास में जाएगा, जितने भी राउटर होंगे उन सबके पास में जाएगा ये LSA, DR के थ्रू जाएगा अगर DR है तो, नहीं तो किसके थ्रू चला जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा, वो अपने नेबर को दे देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एक एरिया में राउटर LSA सेम होंगे, और जितने राउटर है उसमें उतने ही राउटर LSA होंगे, अगर 10 राउटर लगे हुए हैं तो 10 राउटर LSA होंगे। समझ रहे हो? क्लियर है? और एक उस राउटर LSA में उस राउटर की लाइक 1.1.1.1 का ये LSA है, तो इसके अंदर उस राउटर के सारे लिंक्स की इंफॉर्मेशन होगी, उन लिंक्स के ऊपर कौन से नेटवर्क्स यूज हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर है ये चीज? ओके, उसके बाद में बात करते हैं LSA टाइप 2 की। LSA टाइप 2 जो बनाता है वो DR राउटर बनाता है, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी किसकी, DR राउटर की, कि DR राउटर कौन सा है। तो वो LSA भी सबके पास में जाएगा, एक राउटर DR राउटर होगा तो उनको पता होना चाहिए ना कि डेटाबेस किसको सेंड करना है, डेटाबेस किसको सेंड करना है, DR कौन सा है, उनको कौन बताएगा, वो LSA 2 बताएगा, वो LSA 2 सबके पास में होगा, और उस एरिया में जितने DR होंगे उतने ही क्या होंगे, LSA 2 होंगे। जितने LSA होंगे उतने ही क्या होंगे, जितने DR होंगे उतने ही LSA 2 होंगे। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट हो? ओके, तो अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एरिया है, फॉर एग्जांपल एरिया जीरो ही मान के चल लेते हैं हम लोग, एरिया जीरो में कुछ राउटर कनेक्टेड है यहां पे इस तरह से, ठीक है। इस एरिया में ये मेरा R1 है, R2 है और R3 है, ये मेरा है यहाँ पे लाइक सीरियल लिंक है, ये कौन सा लिंक है, सीरियल लिंक है। अब मुझे आप लोग बताओगे LSA 1 कितने होंगे इसमें, अब मुझे बताओ LSA 2 कितने होंगे, दोबारा सोच लो, एक इस लिंक के लिए क्या होंगे, एक मेरा एक लिंक है ना, यहाँ पे भी एक DR बनेगा और यहाँ पे भी एक DR बनेगा, ये तो है नहीं कि ये राउटर आपके इस तरह से एक स्विच के साथ में कनेक्ट है, इस तरह से होते तो एक ही DR होता। अब मेरा क्या है, इस लिंक के लिए क्या है, एक मेरा मल्टी एक्सेस लिंक ये है और एक मेरा मल्टी एक्सेस लिंक क्या है ये, ये तो एक ही डोमेन हो गया ना आपका, है ना, तो यहां पे एक DR अलग बनेगा और यहां पे एक DR अलग बनेगा, तो LSA 2 कितने होंगे यहां पे, अगर यहां पे मेरा फास्ट इंटरनेट लिंक होता तो LSA 2 कितने होते, 3। अब इस राउटर पे एक नेटवर्क है 10.1.1.0, तो इस राउटर को उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, कौन से LSA से पता चलेगी, LSA 1, तो ये LSA 1 से वहां पे कैलकुलेट कर लेगा और अपनी राउटिंग टेबल में क्या रख लेगा, वो राउट रख लेगा, मतलब LSA 1 से सारे राउटर क्या कर लेंगे, उन नेटवर्क्स के लिए राउटिंग टेबल क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। एक काम करते हैं, मैं यहां पे आया और मैं इस राउटर पे गया, R1 पे चलते हैं हम लोग, मैं यहां पे दोबारा कमांड रन कर रहा हूं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, तो यहां पे एक तो किसका एडवर्टाइज राउटर कौन है, 1.1.1, ये इसका डेटाबेस है, और ये राउटर कौन है, इस राउटर पे दो LSA 1 दिखा रहा है ना, ये कौन सा है, ये मेरा राउटर LSA है, ये मेरा ये राउटर LSA है, LSA 1 है, तो इस पे कितने राउटर LSA है, दो राउटर LSA, ठीक है, और इसमें LSA 1 कितने है, LSA 2 कितने है, और जनरेट कौन कर रहा है, वो 2 कर रहा है, और वो बता रहा है कि ये वाला लिंक मेरा क्या है, DR है, ये लिंक है ना वो DR, ठीक है। LSA 1 खोल के दिखाऊं आपको, R1 का,
या आर टू का अब देखो इसमें अगर इसकी राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, आईपी राउट, इसकी राउटिंग टेबल में कोई राउट दिखा नहीं रहा। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लूप बैक बना लेता हूँ और उसको भी ओएसपीएफ में क्या कर देता हूँ, एडवर्टाइज कर लेता हूँ। तो मैं आर टू पे गया, कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस इंटरफेस इस पे लूप इंटरफेस और भी है क्या, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, एक ही बनाओ, मैं लूप बैक ही बना लेता हूँ। इंटरफेस लूप बैक वन आईपी एड्रेसेस 10.20 यूज कर लेता हूँ, 20.1.1.1255.255.250 और इसको मैं किस में एडवर्टाइज कर देता हूँ, ओएसपीएफ में, राउटर ओएसपीएफ 100 नेटवर्क 20.1.1.0.0.0.0.255 और एरिया 0, ये एडवर्टाइज हो गया। इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास में आ जाएगी, आर वन के पास में, शो आईपी राउट, आगे इसके पास में इंफॉर्मेशन, ये कैसे आई, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, इसके पास में एलएसए 1 है ना 2 का, उसके अंदर इंफॉर्मेशन है, दिखाता हूं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर, राउटर एलएसए चेक करना है किसका, 2.2.2.2 का, एंटर प्रेस करता हूं। इसके पास में देखो लिंक्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, एक तो इसके पास में क्या है 20 नेटवर्क यूज हो रहा है, ये देखो ये लूप बैक है इसलिए 32 पे दिखा रहा है, अदरवाइज किस पे दिखा रहा होता, 24 पे। और ये देखो एक इसकी खुद की लिंक आईडी भी दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, एक तो ये लिंक कनेक्टेड है, स्टब नेटवर्क है, स्टब नेटवर्क इसलिए दिखा रहा है, वो लूप बैक है मेरा, ठीक है। और ये देखो मेरा एक ट्रांजिट नेटवर्क है जिसपे क्या यूज हो रहा है, आईपी यूज हो रहा है। तो इसके पास में एक इंफॉर्मेशन है ना इसकी नेटवर्क की, तो ये इंफॉर्मेशन किससे रिसीव हुई है, 2.2.2.2 से रिसीव हुई है कि नहीं हुई, तो उसने क्या कर लिया, जो आईपी राउट, उस राउट को अपनी राउटिंग टेबल में वहां से क्या कर लिया, उसको रीड करके स्टोर कर लिया, कर लिया कि नहीं कर लिया, राउटिंग टेबल बना ली ना इसने अपनी। तो राउटिंग टेबल जो एक एरिया में राउटर जो बनाएंगे वो किस बिहाफ पे बना लेंगे, LSA 1 को देख के बना लेंगे, क्योंकि LSA 1 में सारे राउटर की, अब इसके पास में R2 का भी क्या है LSA है, R3 होगा उसका भी LSA होगा, R4 होगा उसका भी LSA होगा, तो उनके अंदर सबकी उनके लिंक्स की इंफॉर्मेशन होगी, सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, तो ये अपनी राउटिंग टेबल बना लेगा कि नहीं बना लेगा, बना लेगा, क्लियर है ये चीज, ओके। और DR राउटर जो होगा वो क्या बनाएगा आपका, LSA 2 बनाएगा, LSA 2 कौन बनाएगा, जो DR होगा, क्योंकि अब क्या होगा मेरे पास में यहाँ पे 10 राउटर लगे होंगे, 10 राउटर लगे होंगे, तो इन्होंने जो डेटाबेस शेयर करना है वो किसके साथ में शेयर करना है, सिर्फ DR के साथ में, इनको पता होना चाहिए ना मेरा DR कौन है, तो इनके पास में LSA 2 भी आएगा, और LSA 2 में किसकी इन्फॉर्मेशन होगी, DR की, वो DR के पास में इन्फॉर्मेशन भेजेंगे जब भी कोई चेंज होगा, ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो, ये तो हमने बात करी एक सिंपल एक एरिया की, लाइक एक ये राउटर कनेक्ट था, एक ये राउटर कनेक्ट था, ये मेरा कौन सा एरिया, एरिया 0, ये दोनों राउटर कनेक्टेड थे, ठीक है। और यहाँ पे LSA 1 कितने बने, 2, और LSA 2 कितने बने, 1 बना। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे एक और एरिया हो सकता है ना आपका, यहाँ पे क्या होगा, एक और एरिया होगा, अब एक और एरिया होगा तो यहाँ पे भी कुछ राउटर कनेक्टेड होंगे, ये मेरा क्या है एरिया 1 होगा, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, और ये मेरा R4 है। अब इन दोनों एरिया को कनेक्ट करना है तो बीच में कौन सा राउटर, एक और राउटर लगाना पड़ेगा आपको, जिसका एक इंटरफेस तो किस में होगा, एरिया 0 में होगा, और एक इंटरफेस किस में होगा, एरिया
वन में होगा। ये मेरा कौन सा राउटर बनेगा, ये मेरा एबीआर राउटर बनेगा। अब देखो, अब बात आती है एलएसए 3 की। मैंने आपको बताया कि जो राउटर एलएसए है, जो डेटाबेस है, वो आपका इसी एरिया में रहेगा। एक ही एरिया में एक्सचेंज होता है ना, वो डेटाबेस कभी भी दूसरे एरिया में नहीं जाता। तो यहां पे एक नेटवर्क है 10.1.1.0 का। अब इसकी इंफॉर्मेशन यहां तक आएगी, यहां तक भी आएगी, बट इस नेटवर्क की LSA1 यहां पे आ जाएगा इस राउटर में, इस एरिया में। इस एरिया में LSA1 तो नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा ना, R1 का नहीं आएगा। तो इसके पास में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, कैसे तो आनी चाहिए ना। अब क्या हुआ, मेरा ABR है, मेरा ABR के पास में इंफॉर्मेशन किस किस की है, R1 की और R2 की, और खुद की भी इंफॉर्मेशन होगी। ये एरिया किस में है, जीरो में है। इसमें एरिया जीरो के सारे राउटर्स हैं, लाइक ये राउटर है मेरा R5, इसके पास में इसकी भी इंफॉर्मेशन है, इसकी भी इंफॉर्मेशन है, और R5 की भी इंफॉर्मेशन है, R5 की सॉरी एरिया जीरो की। तो ये क्या बना लेगा, ये अपनी राउटिंग टेबल बना लेगा कि नहीं बना लेगा, ये अपनी राउटिंग टेबल बना लेगा। उस राउटिंग टेबल में एक 10 का नेटवर्क रख लेगा, इसी तरह से इधर साइड में एक 40 का नेटवर्क है, ये भी अपनी राउटिंग टेबल बना लेगा। इसके पास में भी वो LSA आएगा, तो ये भी अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा। तो इसकी राउटिंग टेबल में 40 का भी नेटवर्क होगा कि नहीं होगा। बट अब ये LSA जो है इसका, वो इधर नहीं आएगा, तो इस राउटर के पास में इसके राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क होगा नहीं होगा। ये इसका LSA जब इस एरिया में नहीं आएगा, तो इसके राउटिंग टेबल में उसका नेटवर्क होगा 40 का। ये कम्युनिकेट तो करने नहीं चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए, वो राउट चाहिए ना। तो यहां पे बनता है आपका LSA3। LSA3 कौन बनाएगा, LSA3 बनाता है हमेशा कौन, ABR। और वो क्या करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क्स हैं, इसकी राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क है वो किस में रख लेगा, उसकी इंफॉर्मेशन किस में होगी, LSA3 में। तो लाइक उसमें 10 की इंफॉर्मेशन होगी, और ये जो LSA3 बनाया वो किसको भेज देगा, इस एरिया में भेज देगा। तो इसके पास में वो LSA3 आ जाएगा, इसके पास में भी LSA3 आ गया। तो अब इसके पास में LSA3 आ गया, तो इसके पास में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी आ गई होगी, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन किसकी भेजी है, उसने अपनी राउटिंग टेबल की। इसकी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन किसकी पड़ी है, 10 की इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो इसके पास में 10 का नेटवर्क आ जाएगा। इसी तरह से ये राउटर क्या करेगा, ABR, इसकी राउटिंग टेबल में 40 का भी नेटवर्क है। तो ये राउटर क्या करेगा, एक LSA3 जनरेट करेगा, और अपनी राउटिंग टेबल में जो भी नेटवर्क्स हैं वो कौन से एरिया में डाल देगा, एरिया जीरो में। तो इसके पास में भी आ जाएगा और इसके पास में भी आ जाएगा, तो वो 40 का नेटवर्क इसके पास में भी आ गया, और वो आपस में क्या करने लग जाएंगे, कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। तो अभी देखो, यहाँ पे LSA3 नहीं बना हुआ था, LSA3 नहीं बना हुआ था ना, शो IP OSPF डेटाबेस नहीं बना हुआ था, दो ही LSA बने हुए थे, LSA1 और 2। अब हम लोग बनाते हैं LSA3। मैं काम करता हूं, ये जो मेरा एरिया है, ये एरिया कौन सा है, ये है हमारा एरिया जीरो। और एक और एरिया बना लेते हैं हम लोग, ये है हमारा एरिया वन बना लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो इस एरिया में भी कुछ राउटर होंगे, तो मैं यहां पे भी दो राउटर यूज कर लेता हूं, ये लो, ठीक है, इनको भी कनेक्ट कर लो आप। और अब इनके बीच में, इन दोनों एरिया को कनेक्ट करने के लिए आपको एक बीच में भी राउटर चाहिए, जो क्या बनेगा आपका, ABR बनेगा। तो एक काम करता हूं, मैं पहले R2 पे जाता हूं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेता हूं, राइट कमांड चला के, राइट, इसको शटडाउन करना पड़ेगा, केबल अटैच करनी पड़ेगी ना इस पे, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, और फास्ट इथरनेट से, फास्ट इथरनेट, ठीक है, फास्ट इथरनेट से, फास्ट इथरनेट। इनके बीच में अगर सीरियल यूज करनी है तो सीरियल यूज कर सकते हो, फिर वहां पे DR BDR की इलेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने यहां पे यूज किया 12 के नेटवर्क में IP,
/24, इन दोनों के बीच में मैं क्या यूज कर लूंगा, 25.1.1.0 /24, इन दोनों राउटर के बीच में, और इन दोनों राउटर के बीच में यूज कर लेंगे 53.1.1.0 /24, और इन दोनों राउटर के बीच में हम लोग यूज कर लेते हैं 34.1.1.0 /20। एक काम कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक लूप बैक बना लेते हैं 10 के नेटवर्क में 10.1.1. ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट वाले राउटर तक पहुंचानी है ना 24 पे, मैंने लूप बैक बना लूंगा यहाँ पे। इसी तरह मैं लास्ट वाले राउटर पे यहाँ पे भी R4 पे 40.1.1.0 /24 पे यहाँ पे लूप बैक बना दूंगा, फिर हम लोग इनको एडवर्टाइज करेंगे। फिर ये ABR क्या करेगा, LSA3 जनरेट करेगा, और उस LSA3 में क्या होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन इधर दे देगा और इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी राउटिंग टेबल में तो हो गई वो, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इधर दे देगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगी। तो हमने ये देखना है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे DR BDR बनेगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में नेबर बनेगी ना, दोनों बन सकता है DR BDR इन लिंक के बीच में बनेगा, या फिर ये लिंक या फिर ये लिंक, ठीक है। चलो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, तो इस इंटरफेस पे IP दे देते हैं हम लोग पहले, R1 है, R2 पे चल लो, R2 पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एक इंटरफेस पे किया हुआ है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 पे IP एड्रेस क्या यूज करना है, 25.1.1.1.255.255.255.0 नो शटडाउन। और इसी तरह से आप चलो R5 पे, पहले इनको ऑन कर लेते हैं स्टार्ट, चलो R5 पे चलते हैं हम लोग, चेंज सेटिंग, चेंज R5 पे IP एड्रेस यूज कर लो, कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेसेस 0/0 पे क्या यूज करना है, 25.1.1.2.255.255.255.0 और नो शटडाउन। उसके बाद में एग्जिट हो जाओ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 IP एड्रेस, इसमें क्या यूज करना है, 53.1.1.1.255.255.255.0 और नो शटडाउन। उसके बाद में आ जाओ R3 पे, कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 है, 1/0 पे क्या यूज करना है, 53.1.1.2.255.255.255.0 नो शटडाउन। और एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेस, इस पे क्या यूज करना है, 34.1.1.1.255.255.255.0 नो शटडाउन। उसके बाद में आ जाओ R4 पे, कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेसेस 34.1.1.2.255.255.255.0 नो शटडाउन।
एग्जिट इंटरफेस लूपबैक भी बनाना है, लूपबैक वन बना लो, और आईपी एड्रेसेस 40.1.1.1.255.255.255.0 और नो शटडाउन ऑलरेडी हो रखा है इस पर। तो अब एक काम करता हूँ मैं R1 पे चलता हूँ, R1 पे भी मैंने एक लूपबैक बनाना था, कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक वन, आईपी एड्रेस क्या देना था 10.1.1.1.255.255.255.0 और इसको OSPF में एडवर्टाइज करना था। तो राउटर OSPF वन, पहले तो इसको नो करता हूं मैं दोबारा, राउटर OSPF 100 नेटवर्क क्या 10.1.1.0 0.0.0.255 एरिया कौन सा है 0, ये मैंने इसको एडवर्टाइज कर दिया। इस पे तो रन हो ही रखा है OSPF। R2 पे चलते हैं, R2 के एक इंटरफेस पे नहीं हुआ, फास्ट इथरनेट 0/0 पे हो रखा है। तो राउटर OSPF 100 नेटवर्क कौन से पे 25.1.1.0.0.0.0.255 एरिया कौन सा है, ये एरिया कौन से में है, जीरो में है, किस में है, जीरो में है। एंटर एग्जिट हो जाओ, आ जाओ R5 पे, R5 पे मैं एग्जिट करता हूँ, राउटर OSPF 100 इस इंटरफेस में मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। तो वही 25.1.1.0.0.0.255 एरिया कौन सा है, ये जीरो में है, ये मेरा इंटरफेस। फाइन, इसको कर लो एग्जिट। उसके बाद में ये जो मेरा इंटरफेस है इस पे मैं राउटर OSPF 100 और नेटवर्क 53.1.1.0.255.255.255.0.0.0.255 और एरिया कौन सा है, R5। ठीक है, तो R5 पे कॉन्फ़िगरेशन कर ली। अब R3 पे भी हमने क्या करना है, OSPF रन करना है। तो एग्जिट करो, राउटर OSPF 100 नेटवर्क 53.1.1.0.0.0.0.255 एरिया कौन सा है, एरिया 1 है। और उसके बाद में नेटवर्क 34.1.1.0.0.0.0.255 और एरिया कौन सा है, वन। ये दोनों इंटरफेसेस किस में है, एरिया वन में थे, इसको भी एडवर्टाइज कर दिया। चलो फिर अब चलो आप R4 पे, एग्जिट राउटर OSPF 100 नेटवर्क 34.1.1.0.0.0.0.255 एरिया कौन से में है, एरिया वन में। इसी तरह से नेटवर्क 40.1.1.0/0.0.0.255 एरिया कौन से में है, एरिया वन में। ठीक है, OSPF सब पे रन हो गया। अब मैं चलता हूँ R1 पे, अब ध्यान से देखना। अब मैं शो IP OSPF डेटाबेस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। इस पे एक समरी LSA भी बना है, इसमें क्या बना है, एक समरी LSA भी बना है ना। बट इसमें 40 की इन्फॉर्मेशन नहीं आई ना, क्या शो IP प्रोटोकॉल। एडवर्टाइज भी कर रहा है हमने इस पर। चलो एक काम करता हूँ मैं R3 पे जाता हूँ और R3 की राउटिंग टेबल में पहले चेक कर लेते हैं कि उसका, R5 की राउटिंग टेबल में चेक कर लेते हैं कि उसका राउट आ रहा है कि नहीं आ रहा R5 में। अब देखो R5 के पास में क्या है, R5 के पास में एरिया 0 के अंदर कितने राउटर LSA होंगे, एरिया 0 में इसके पास में मल्टी एरिया क्या होंगे, डेटाबेस होंगे।
एरिया जीरो का भी और एरिया वन का भी, क्योंकि ये दोनों एरिया में है। तो इसके पास में एरिया जीरो में कितने राउटर एलएस होंगे? तीन, एक इसका, इसका और एक खुद का। एरिया वन के लिए कितना राउटर एलएस होंगे? तीन, एक खुद का, इसका और इसका। चेक करें आर फाइव पे, चलो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। ये पहले तो एरिया जीरो का दिखा रहा है, तो इस पे राउटर एलएस तीन है, इनके राउटर आईडी चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये 51 का आ रहा है, ठीक है। इस पे एलएस टू कितने बन रहे हैं? दो। और इस पे एलएस थ्री कितने बन रहे हैं? तीन। अब इस पे एलएस थ्री तीन कैसे आए? ये किसके आ रहे हैं? एरिया जीरो के, एरिया जीरो के। मतलब जब इसने LSA 3 बना के इधर भेजा ना, तो इसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है उसमें। LSA 3 में किसकी इंफॉर्मेशन है? R1 पे चल लो, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। R1 पे इसके पास में सिर्फ एरिया जीरो की इंफॉर्मेशन होगी ना, इसके खुद के एरिया के तीन राउटर एलएसए बने हुए हैं। इस पे दो क्या बने हुए हैं? एलएसए टू बने हुए हैं। और इसमें इंफॉर्मेशन किसकी आई है? ये ये राउटर देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस राउटर के पास में इस नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन है 34 वाले की भी, इस राउटर की भी इंफॉर्मेशन है, इस राउटर की भी इंफॉर्मेशन है, और खुद की भी इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या कर लेगा, एलएसए 1 से एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला नेटवर्क कैलकुलेट कर लेगा और अपनी राउटिंग टेबल में रख लेगा, है ना। और जैसे ही ये अब LSA 3 बनाएगा तो ABR है ना, ABR LSA 3 बनाएगा, मैंने बताया था। और वो अपने राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन किसमें दे देगा? LSA 3 में डाल के इंजेक्ट कर देगा, किसमें? एरिया जीरो में। तो एरिया जीरो में कर देगा, तो देख लो फिर ये समरी LSA आ गया और उसमें उन तीनों नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ गई। और इनको देख के ये क्या कर लेगा, क्यो आईपी राउट, ये अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बना लेगा। इसके पास में 40 का नेटवर्क आ गया, और जो 40 का नेटवर्क, ये देखो 40 का नेटवर्क आया है, और ये क्या दिखा रहा है, ओएसपीएफ के थ्रू आया है। और आईए मतलब क्या है? इंटर एरिया। मतलब वो क्या है, मेरे खुद के एरिया का राउट नहीं है, वो क्या है, इंटर एरिया। आईए का यहां पे दिखाएगा आपको, ठीक है। अगर मैं इस R2 पे आऊं, R2 पे मुझे 10 वाला क्या दिखाएगा, O से दिखाएगा, और R2 पे मुझे 40 वाला क्या दिखाएगा, IA से दिखाएगा, है ना, इंटर एरिया OSPF दिखाएगा R2 पे। शो IP OSPF डेटाबेस, सॉरी शो IP राउट। तो इसमें जो 10 का जो आ रहा है, 10 का तो मुझे किससे दिखा रहा है, ओएसपीएफ से दिखा रहा है, क्योंकि मेरे ही एरिया का है वो। और जो मुझे 40 वाला दिखा रहा है वो किससे दिखा रहा है, समझ गए। इसी तरह से अगर आप इस राउटर पे आओगे, इसको 40 वाला नेटवर्क कैसे दिखा रहा होगा, ओएसपीएफ से, और 10 वाला नेटवर्क कैसे दिखा रहा होगा, ठीक है। तो R1 पे मैं दोबारा डेटाबेस दिखा रहा हूं आपको, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। तो LSA 1 तो आपको पता चल गया कैसे बनेगा, LSA 2 भी पता चल गया जो DR राउटर है वो जनरेट करेगा, और LSA 3 पता चल गया कौन बनाएगा, ये राउटर आईडी किसकी है, ये किसकी राउटर आईडी है, ये राउटर आईडी है ABR की, इसकी। एक काम कर सकते हो आप, एक काम कर लेते हैं हम लोग, इनकी राउटर आईडी मैं चेंज कर देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। राउटर ओएसपीएफ 100 राउटर आईडी, इसको क्या देते हैं, 5.5.5.5 राइट, फेयर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस यस। और R3 पे चल लो,
इस पे भी राउटर OSPF 100 राउटर आईडी, इसको क्या दे देते हैं मैनुअली, मैं राउटर आईडी दे रहा हूं, तो एग्जिट एग्जिट क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस, मतलब ये कब प्रोसेस में आएगी, जब आप इसको OSPF की प्रोसेस क्या करोगे, रीस्टार्ट करोगे, तब भी वो राउटर आईडी को चेंज करेगा, अदरवाइज वो पुरानी वाली रख रखेगा। ये राउटर OSPF 100 राउटर आईडी इज 4.4.4.4 एग्जिट एग्जिट क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस यस। अब एक काम करता हूं, मैं R1 पे दोबारा जाता हूं, इस लिंक में ये डीआर होगा और इस लिंक में ये डीआर होगा। नेबरशिप मैं OSPF प्रोसेस ही रीस्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी प्रोसेस दोबारा इलेक्शन होगी ना पूरी। मैंने इस पे भी और इस पे भी तीनों पे प्रोसेस रीस्टार्ट करी, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में नेबरशिप डाउन हुई है ना, तो दोबारा नेबरशिप अप लेके आएगा, तो इस लिंक पे डीआर बीडीआर की इलेक्शन दोबारा होगी कि नहीं होगी, क्यों करेगा इस पे भी तो दिया R5, अब इस केस में R5 आएगी, इस पे राउटर आईडी क्या है 2.2.2.2 है, इस पे राउटर आईडी क्या है 5.5.5.5 है। शो आईपी OSPF डेटाबेस, हाँ अब देख लो, ये कौन एडवर्टाइज कर रहा है, LSA3 कौन एडवर्टाइज कर रहा है, बताया था ना ABR एडवर्टाइज करता है, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन किसकी होती है, जो राउटिंग टेबल में उसकी नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी, अदर एरिया की वो इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, यहां पे देखो दो डीआर बने, एक ये बना और एक ये बना है, R1 और एक R2। इसमें क्या कौन बन गया, R1, और इस लिंक में कौन बन गया R2। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने सारे राउटर पे राउटर आईडी मैनुअल सेट करके R1 पे 111, R2 पे 2.2.2.2.2, R3 पे 3.3.3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6 है नहीं, ठीक है, तो इन पे राउटर आईडी सिलेक्ट कर दी और मैंने सब पे राउटर OSPF की प्रोसेस क्या कर दी, रीस्टार्ट कर दी। ठीक है, एक इनका वेट इंटरवल टाइम होता है, जो होता है जो मेरा डेड इंटरवल होता है उसके इक्वल होता है 40 सेकंड। ठीक है, अगर आप 40 सेकंड के अंदर अंदर दोनों राउटर पे क्या करोगे OSPF रन कर दोगे, तो इलेक्शन किसके बिहाफ पे होगी, राउटर आईडी के बिहाफ पे होगी, डीआर की, ठीक है, या प्रायोरिटी के बिहाफ पे होगी। अगर आप क्या करते हो OSPF इस पे रन कर देते हो, इस पे 40 सेकंड के बाद में क्या करते हो रन करते हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डीआर बन जाएगा। ठीक है, चेंज नहीं हुआ, एक बार जो डीआर बन गया वो बन गया, हां फिर वो एक बार बन गया वो बन गया। शो आईपी OSPF डेटाबेस, यार ये क्या दिखा रहा है, R1 पे शो आईपी OSPF नेबर करता हूं मैं, तो ये क्लियर है सबको, तो ये LSA3 सबको क्लियर है, LSA3 कैसे जनरेट होता है, LSA3 कौन बनाएगा, ABR राउटर बनाएगा। अब इस राउटर की राउटिंग टेबल में एरिया 0 के सारे राउट होंगे, वो एक LSA3 बनाएगा और इंजेक्ट कर देगा किस में, एरिया 1 में, और इस राउटर ABR के पास में क्या होगे, इन सबके राउटर राउटिंग टेबल में होंगे राउट, LSA1 से कैलकुलेट कर लेगा राउटिंग टेबल में होंगे, तो ये क्या करेगा LSA3 बनाएगा और इनको दे देगा, तो ये अपनी राउटिंग टेबल में क्या कर लेंगे, वो सेव कर लेंगे और आपस में क्या करने लग जाएंगे, कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। मैं R1 से कम्युनिकेट करवा के दिखा देता हूं, पिंग स्पेस लास्ट वाले को 40.1.1.
रिप्लाई आ गई, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आपका ये एरिया कौन सा होता, एरिया टू होता, ये एरिया कौन सा होता टू, तो ये एबीआर बनता, एबीआर कौन सा राउटर बनता है जो एक इंटरफेस एटलीस्ट उसका एरिया जीरो में हो, तो इस राउट की इंफॉर्मेशन कभी भी इस एरिया में आएगी नहीं, क्योंकि LSA 3 कौन बनाएगा, एबीआर, और इसकी इंफॉर्मेशन भी इधर नहीं आएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, इस बीच वाले राउटर पे कोई एक लूपबैक बना लो और उसको डाल दो एरिया जीरो में डाल दो, फिर तो हो जाएगा ना, फिर तो ये राउटर आपका क्या बन जाएगा, एबीआर बन जाएगा। ये प्रैक्टिकल आप लोग खुद परफॉर्म करके देख लेना। R1 से कंटिन्यूअस स्ट्रिंग करना 40 करना, हाइपर करना, क्या देखना चाहते हो बोलो। मैं ड्रॉप देखना चाहता हूं, नहीं इसमें क्यों ड्रॉप होगा, ड्रॉप तो नहीं है, क्यों ड्रॉप किस चीज का होगा, क्या माइंड में चल रहा है जो ड्रॉप होगा बताओ, ऐसे एक सिनेरियो है जिसमें ड्रॉप होगा नहीं, वो कोई और इश्यू आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। LSA 3, अब बात करते हैं LSA 4 और 5 की। तो मैं LSA पहले 4 की बात नहीं करूंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा LSA 5 क्या होता है, देन हम लोग LSA 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा एरिया कौन सा था, एरिया जीरो था, और ये हमारा एरिया वन था। यहां पे हमारे पास में क्या होता है, हो सकता है एक EIRP डोमेन हो सकता है या फिर RIP डोमेन हो सकता है। अब इनको भी कोई राउटर आपस में कनेक्ट करवाएगा, वो कौन बनेगा, वो ASBR बनेगा, ये हमारा ABR होगा, बताया था ना मैंने कल आपको, और ये कौन होगा, ASBR, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करवाएंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क होगा लाइक 60.1.1.0/24। तो क्या होगा, अब इन राउटर्स के पास में ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कैसे आएगी, एक्सटर्नल नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। तो जो मेरा ASBR राउटर है ना, ASBR राउटर क्या करेगा, एक LSA बनाएगा, LSA 5। इस राउटर के पास में, ASBR राउटर के पास में ये जो इंटरफेस है वो किस में है, EIRP में है। मतलब इसके पास में, इसकी राउटिंग टेबल में इस राउट की इंफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये क्या करेगा, ये जो ASBR को, ये ASBR कब बनेगा, जब मैं EIRP को OSPF में क्या कर दूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ASBR। तो ये क्या करेगा, एक LSA 5 जनरेट करेगा, और LSA 5 में जो इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे एक्सटर्नल जो नेटवर्क्स हैं, मतलब जो EIRP के जो नेटवर्क्स हैं, मतलब जो इसकी राउटिंग टेबल में पड़े हैं इस राउटर के, ASBR के जो नेटवर्क्स किसके हैं, EIRP के हैं, वो LSA 5 में डाल देगा और इंजेक्ट कर देगा किस में, एरिया वन में। तो वो एरिया वन से किस में आ जाएंगे, एरिया जीरो में भी आ जाएंगे। तो इन राउटर्स के पास में 60 वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना, इन राउटर्स के पास में भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये तो हमारा बनेगा LSA 5। LSA 5 में किस चीज की इंफॉर्मेशन होगी, मेरे एक्सटर्नल नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी, जो डिफरेंट डोमेन से आएंगी, और कौन जनरेट करेगा, ASBR। ये राउटर है मेरा, फॉर एग्जांपल इस राउटर के पास में LSA 5 आ गया, इसने अपनी राउटिंग टेबल बना लेनी है, और राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन किसकी आ जाएगी, 60 नेटवर्क की। और इसको ये नेटवर्क दे कौन रहा है, किस मतलब LSA 5 दे कौन रहा है, ASBR दे रहा है। मतलब इस राउटर के पास में, इस राउटर की कॉस्ट होगी ना यहां तक पहुंचने की,
ये कैसे कैलकुलेट कर लेगा, एल ए से वन से कैलकुलेट कर लेगा कि नहीं कर लेगा, एल ए से वन से, ये आपका एल ए से वन यहाँ पे भी आएगा ना, एल ए से यहाँ पे भी आएगा, तो इसकी इन दोनों के बीच की कॉस्ट आ जाएगी, इन दोनों के बीच की क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। तो ये दोनों क्या करने लग जाएंगे, आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएंगे, बट ये सेम एल ए से मेरा यहाँ पे आएगा, इधर भी आएगा, तो इस राउटर के पास में एल ए से वन है किसका, ए एस बी आर का, एल ए से वन आएगा इसके पास में, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कैसे आ जाएगा, एल ए से वन तो एक ही एरिया में रहेंगे, एल ए से वन दूसरे एरिया में जाते हैं क्या, नहीं जाते ना, तो इस राउटर के पास में ए एस बी आर तक पहुंचने की कॉस्ट है, वो तो एल ए से वन में थी, एल ए से वन में इस तक तो कॉस्ट आ जाएगी, ए बी आर तक भी आ जाएगी, क्योंकि उसका एक इंटरफेस किस में है, एरिया वन में है, तो एरिया वन में इसके पास में किसकी इंफॉर्मेशन होगी, ASBR की भी इंफॉर्मेशन होगी ना, क्योंकि आपका एरिया वन में भी है, इसके पास में LSA1 आएगा, LSA1 से वो कॉस्ट कैलकुलेट कर लेगा इनके बीच की, तो अगर इसने बाहर कम्युनिकेट करना है तो वो कर जाएगा, बट मेरे इस राउटर के पास में ASBR तक जाने की कॉस्ट है, नहीं है, तो अब मुझे ASBR तक जाने की कॉस्ट चाहिए, और वो कौन देगा, उसके लिए वो जनरेट करेगा ABR, ABR क्या जनरेट करेगा, LSA4 जनरेट करेगा, जिसमें इंफॉर्मेशन होगी किसकी, ए एस बी आर की इंफॉर्मेशन होगी, तो इसके पास में ए एस बी आर एल एस ए फोर आ गया, एल एस ए फोर आ गया तो ए एस बी आर तक पहुंचने की कॉस्ट आ गई, और इसके पास में उस वो नेटवर्क भी है तो इजिली चला जाएगा, कम्युनिकेट कर लेगा कि नहीं कर लेगा, कर लेगा, तो एल एस ए फोर कौन जनरेट करेगा, ए बी आर, और एल एस ए फोर के अंदर इंफॉर्मेशन किसकी होगी, ए एस बी आर की इंफॉर्मेशन होगी, उस तक पहुंचने की कॉस्ट होगी, ठीक है, ये तो कम्युनिकेट कर ही जाएंगे, और इस एरिया को एल एस ए फोर की जरूरत है, एरिया वन को, एरिया वन को एल एस ए फोर की रिक्वायरमेंट है, इसको चाहिए एल एस ए फोर, इसको तो चाहिए नहीं, और यहां पे बन भी नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ए बी आर बनाएगा, क्लियर है कि नहीं है, तो यहां पे आपको एल एस ए फोर नहीं मिलेगा, एल एस ए फोर यहां पे मिलेगा सिर्फ आपको, क्योंकि मुझे यहां पे चाहिए ए एस बी आर तक की कॉस्ट, यहां तो ये मेरे से क्या है, ये ASBR मेरी एरिया में है, तो मुझे वो कॉस्ट किससे मिल जाएगी, LSA1 से मिल ही जाएगी, बट वो LSA1 इधर तो आएगा नहीं, एरिया जीरो में, तो इसलिए यहां पे कॉस्ट चाहिए थी, तो ABR क्या करेगा, एक ASBR समरी LSA बनाएगा, जिसमें ASBR की क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी, क्लियर है, चलो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब मैं काम करता हूं, मैं दो राउटर और यूज कर रहा हूँ, एक ये राउटर यूज कर रहा हूँ, इसको मैं बनाऊंगा ASBR, और ये राउटर हम लोग बना लेंगे EIGRP में ले लेंगे इसको, तो ये दोनों राउटर आपके कनेक्टेड है, इन दोनों राउटर को भी आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो R4 पे R4 को मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार स्टॉप कर लेता हूँ, तो ये टोपोलॉजी हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, मैं यहाँ पे जो नेटवर्क यूज करूंगा मैं 60.1.1.0/24 यूज कर लूंगा, ठीक है, तो पहले इनके बीच में आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, मैं आर फोर पे चलता हूँ, पहले आर फोर पे चल लो, और आर फोर के इसके एफ ए जीरो 1/0 पे आईपी एड्रेस देना है, पहले हमने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 आईपी एड्रेस क्या देना है, इसको इसको आईपी देते हैं हम लोग 46 देना है, ये तो इसका लूपबैक था, इसको आईपी देते हैं हम लोग 46, दोनों राउटर के बीच में यही है ना, 1.1.1.255.255.255.0, ठीक है, नो शटडाउन, इसको OSPF में एडवर्टाइज कर दें, राउटर OSPF 100 नेटवर्क 46.1.1.0.0.0.0.255 स्पेस एरिया, एरिया इज व्हाट, एरिया वन में है मेरा ये, अब चलो आर सिक्स पे, R6 पे
कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम लोग। पहले मैं इसके फास्ट इथरनेट 1/0 है उस पे जा रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, आईपी एड्रेस 46.1.1.255.255.255.0, नो शटडाउन और एग्जिट राउटर ओएसपीएफ, राउटर ओएसपीएफ व्हाट 100 एंड नेटवर्क 46.1.1.0.0.0.0.255 स्पेस एरिया 1। उसके बाद में आ जाओ इस इंटरफेस पे FA 0/0 पे, एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। आईपी एड्रेस क्या यूज करना है इस पे, ये 6 और 7 है तो 67 यूज कर लेते हैं, 67.1.1.1255.255.255.0, नो शटडाउन। उसके बाद में इस पे EIGRP इनेबल करना है हमने, इस पे क्या करना है, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क क्या है 67 है क्या 1.1.0.255.255.255.0, नो ऑटो समरी। अब आ जाओ R7 पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 67.1.1.2255.255.255.0, नो शटडाउन, एग्जिट राउटर EIGRP 100 नेटवर्क 67.1.1.0 नो ऑटो समरी। उसके बाद में एग्जिट इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस इज व्हाट 60.1.1.1.255.255.255.0, एग्जिट राउटर EIGRP 100 और नेटवर्क 60.1.1.0.0.0.0.255, नोट समरी कर दिया था क्या हमने पहले। अब देखो, अब मैं चलता हूं R4 पे, एग्जिट एग्जिट शो आईपी राउट, इसके पास में जो राउट आ रहे हैं वो 60 वाला राउट आ नहीं रहा होगा, इसमें इंटर एरिया और ओएसपीएफ के राउट आ रहे हैं सारे, ठीक है। चलो शो आईपी ओएसपीएफ मैं डेटाबेस करता हूं, तो LSA 3 ही बनेंगे ना यहां पे, फोर्थ LSA नहीं बन रहा, फिफ्थ LSA नहीं बन रहा। एक काम करते हैं, वो कब बनेंगे, जब मैं यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करूंगा। तो R6 पे चलो, R6 पे क्या बोलोगे, राउटर ओएसपीएफ में चलो 100 में और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो किसको, EIGRP को, और कौन सा EIGRP 100 EIGRP और मैट्रिक क्या यूज कर लो, और क्या कर दो यहां पे एंटर ओनली, ओके ओके वेट, यहां पे कमांड चला दो सबनेट कमांड, EIGRP ओएसपीएफ में क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, R4 पे चलता हूं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, LSA 5 आ गया, LSA 5 में किस चीज की इंफॉर्मेशन आई, नेटवर्क की 60 वाली और इसकी वाली, ठीक है। LSA 4 दिखा रहा है यहां पे, LSA 4 आया नहीं आया, क्योंकि वो तो ABR बनाएगा ना, इसके पास में तो इंफॉर्मेशन आ ही जाएगी इन राउटर्स के पास में, इस ASBR की LSA 1 के थ्रू, बट इनके पास में तो नहीं आएगी। तो मैं R1 पे चलता हूं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये समरी ASBR इंफॉर्मेशन आ गई, कौन जनरेट कर रहा है इंफॉर्मेशन, किसकी है ASBR की,
46.1.1.2। अब R1 क्या करेगा, उससे कम्युनिकेट कर सकता है लेकिन रिप्लाई नहीं आएगी। 60.1.1.1 रिप्लाई क्यों नहीं आएगी, अब आप लोग मुझे बताओगे। क्योंकि ये तो यहां तक पहुंच जाएगा, बट जब इसने उधर कम्युनिकेट करना होगा तो इसके पास में 10 वाला राउट नहीं है, तो आपको OSPF को EIGRP में क्या करना पड़ेगा, वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो राउटर EIGRP 100 रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, प्रोसेस आईडी कौन सी है 100, मैट्रिक, इसको मैट्रिक बतानी पड़ेगी, बैंडविड्थ क्या है, रिलायबिलिटी, बता दिया। अब इसके पास में भी वो क्या आ जाएगा, राउट आ जाएंगे R7 के पास में, चेक कर लो QIP राउट। अब इससे आपको ये भी पता चल गया कि अगर OSPF को EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करना है, सेम तरीका सेम ही है। इसके पास में राउट आ गया अभी, और वो क्या दिखा रहे हैं, एक्सटर्नल राउट दिखा रहे हैं। R1 पे चलो, लास्ट टाइम पिंग नहीं हो रहा था, इसके पास में भी R7 के पास में भी उसके राउट आ रहे हैं, पिंग कर लो फिर 10.1.1.1। इसी तरह से अगर आपका यहां पे रिप है तो रिप को OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्लियर है। R1 पे चलो, R1 की राउटिंग टेबल देखी थी हमने, शो IP राउट, इसमें जो राउट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, E2 राउट आ रहे हैं, E1 भी राउट आ सकते हैं, E2 भी आ सकते हैं, ये आपको कहां पे पता चलेगा, अभी थोड़ा इसमें सस्पेंस छोड़ देते हैं CCNP के लिए, ठीक है, सब कुछ ये नहीं करना हमने।